हेलो हेलो। तब थोड़ी सी टेक्निकल रुकावट की वजह से ये मैच रुका हुआ था। पहले इनिंग की समाप्ति के बाद स्कोर बनाया था देसाई डायनामोज ने। 52 रन्स और 53 रन्स का लक्ष्य रखा था वो पटेल पायनियर्स के सामने। अभी कुछ ही क्षणों में सेकंड इनिंग का यहाँ पर आगाज होगा और देखते हैं हमें कुछ ही पलों में या कुछ ही क्षणों में कुछ ओवर्स के बाद हमें हमारा आरयूपीएल 3.0 का विनर पता चलेगा। जो भी प्रेक्षक ग्राउंड पर खड़े हैं उन्हें रिक्वेस्ट है, एक मिनट अंपायर। वो दो लेडीज को बोल दीजिए ना। दूसरी पारी की शुरुआत, एक लो स्कोरिंग गेम। लो स्कोरिंग गेम है, देखना होगा कि इस लो स्कोरिंग गेम को अमित पराबन टीम एक विनिंग स्कोर बना सकती है कि नहीं। और टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार गेंदबाजी का मोर्चा संभाला है कप्तान अमित परब और बल्लेबाजी का मोर्चा संभाला है कप्तान सिद्धार्थ शाक्या। तो एक टफ मुकाबला देखने मिलेगा। और उसी तरीके की विकेट जैसे पहले ओवर में सूरज की गई थी, उसी तरीके का सेम कट शॉट सिद्धार्थ शाक्या का विकेट पहले ही ओवर में। इसी कॉन्फिडेंस की जरूरत है और इसी तरीके की विकेट की जरूरत है। अगले बल्लेबाज अपने टीम के लिए, अपने टीम का दारोमदार संभालने के लिए आ रहे हैं सूरज नायर। जिस तरह से पहले इनिंग में सूरज म्हात्रे की विकेट गई थी, अगर इस इनिंग में सूरज नायर की विकेट का लेने में अगर यहां पर डायनामोस की टीम कामयाब हो जाती है तो मैं कहूंगा कि मैच इक्वली बैलेंस हो जाएगा 50-50। सूरज नायर को बहुत ही समझदारी वाली पारी खेलनी होगी क्योंकि 46 गेंदों में 50 रन की जरूरत है। वो सुंदर गेंदबाजी, बच्ची गेंदबाजी, लाइन एंड लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं अमित परब, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब तक 3 गेंदे डाली हुए है, 3 डॉट गेंदे यहां पर की है कैप्टन अमित परब ने। और ये गगनचुंबी सिक्स थोड़ा सा अपने दिशाहीन हुए गेंदबाजी में और सूरज नायर ने इसका पूरा फायदा उठाया। ग्राउंड के बाहर एक लंबी हिट सिक्स के लिए। पहली 3 अच्छी गेंदें डाली थी अमित ने, सूर्य सिद्धार्थ शाक्या की विकेट भी यहां पर निकाली थी, लेकिन उसके बाद एक खराब गेंद और इस खराब गेंद पर जड़ दिया छक्का सूरज नायर। कहां पे रोकने वाले हैं, जैसे ही पता चला कि गेंद पाले में है उठाकर मार दिया उसे 6 रनों के लिए। वेरी स्मॉल रूम फॉर एरर, थोड़ा भी आप इस ग्राउंड पर दिशाहीन होंगे आपको ग्राउंड के बाहर भेज दिया जाएगा। इस मैच को अगर जीतना है डायनामोस को तो एक ही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो मतलब विकेट निकालने की। अगर विकेट मिलेंगे तो बैकफुट पे ढकेल सकते हैं पायनियर्स की टीम को फिर एक बार, लेकिन इस तरह के अगर गेंदबाजी होगी तो सूरज नायर दिन में तारे दिखाएंगे। जी हाँ, बहुत ही क्लीन शॉट खेलते हैं, बराबर बॉल के नीचे आते हुए अच्छी पोजीशन और एक लंबी हिट। बहुत अच्छा बॉडी का बैलेंस है शॉट खेलते वक्त।
और कहूंगा अच्छा फिनिश, एक डॉट बॉल से फिनिश किया, लेकिन स्कोर बढ़ गया, बढ़ के हो गया है 15 रन। दो छक्के जरूर खाए थे, लेकिन जो पहली इनिंग में पेनल्टी के रूप में 3 रन मिले थे उसी रन से शुरुआत हुई थी इस इनिंग की पटेल पायनियर्स की टीम की। इसी के चलते स्कोर हो चुका है 15, यानी कि अब आगे से विकेट लेने होंगे। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सूरज म्हात्रे, हालांकि हमें बहुत बार दिखे चौथी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, लेकिन समय की मांग है इसी के लिए दूसरी ओवर करने के लिए सूरज म्हात्रे अब खुद बॉलिंग लाइन पर। सिद्धार्थ जो कि टीम के कप्तान है, एक मैसेज लेकर आते हुए, उन्हें पता है कि सूरज काफी अच्छे गेंदबाज हैं, तो चाहेंगे कि इसमें विकेट ना फेंके कोई, रन अ बॉल भी आ जाए तो भी उनके लिए जीत है। क्या लगता है क्या मैसेज पास किया होगा? मुझे लगता है कि इन्होंने कहा जरूर होगा कि सूरज की 6 गेंदे खेल लो, इस ओवर में कोई भी विकेट देने की जरूरत नहीं, अगर 6 गेंदों में 6 रन भी आता है तो ये जीत रहेगी हमारे लिए। जी हाँ, यही मैसेज होगा, अगर सूरज को विकेट मिलेगी तो शायद विकेट की झड़ी भी लग सकती है। और जड़ में डाली हुई गेंद उसे खेल दिया 1 रनों के लिए। थोड़ा सा अजीब गरीब फील्ड प्लेसमेंट यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, वहां पे सेकंड स्लिप में एक फील्डर खड़ा किया है उन्हें सूरज ने, अपनी गेंदबाजी पर पूरा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए। और सूरज म्हात्रे भी फाइनल का प्रेशर शायद से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की गेंद की आशा बिल्कुल नहीं होंगी उनकी ओर से, क्योंकि फुल टॉस गेंद, सूरज नायर भी कसा हुआ खिलाड़ी है, ऐसी गेंदों को वो भी पनिश करना जानता है। सूरज नायर लूज बॉल के लिए वेट कर रहे हैं और हर लूज बॉल को ग्राउंड के बाहर भेज रहे हैं। फिर एक बार लगातार दूसरी फुल टॉस गेंद, और लेकिन इस बार थोड़ा मिस कर गया, मिस टाइम हो गया ये शॉट इस बार सूरज नायर के बल्ले से, और उसी के चलते, लेकिन 1 रन जरूर मिला है, यानी कि 3 गेंदों में सूरज नायर के सॉरी सूरज म्हात्रे के आए हैं 8 रन्स। और एज लेकर गेंद गई हवा में, फील्डर वहां पर पहुंचते में थोड़ी सी देरी हो गई, मिथुन वहां पर मौजूद, लेकिन 2 रन लेने में कामयाब सूरज नायर, अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर दोनों भी बल्लेबाजी बल्लेबाजों की ओर से, 10 रन आ गए अब तक 4 गेंदों में सूरज के। और ये अच्छी गेंद, कॉट बिहाइंड का अपील वहां पर होता हुआ, और विकेट जिसकी जरूरत थी वो यहां पर दिलाई है सूरज म्हात्रे ने। बहुत ही अच्छी गेंद थी ये, बीट कर दी बैट्समैन को, इसी तरीके की डिलीवरी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, अनप्लेएबल था, अनप्लेएबल। अब बल्लेबाज के आउट होने के बाद उनकी जगह लेने के लिए आए अमोल भामरे, सेमीफाइनल मैच के हीरो थे इस पटेल पायनियर्स टीम के लिए, देखते हैं क्या करते हैं इस फाइनल की शाम अपने बल्लेबाजी के रूप में। 28 गेंदों में 37 रन की जरूरत, 37 बॉल में 28 की जरूरत है। माफी चाहता हूं, 36 गेंदों में 28 रन की जरूरत, अब 27 रन की जरूरत 36 गेंदों में, और टीम का स्कोर जा पहुंचा 2 ओवर 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगला ओवर एक पावर प्ले ओवर है,
पावर प्ले का ओवर है इस इनिंग का, पहला पावर प्ले का ओवर, तीसरा इनिंग का ओवर लेके आए गणेश शेट्टी। देखते क्या करते हैं इस ओवर में, विकेट लेंगे क्या, जिसकी उन्हें तलाश है, सारी टीम को तलाश है डायनामोस की। लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट गेंदबाजी, उसे कट कर दिया वहां पर एक रन के लिए। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ हो चुका है 27 runs। व्हाइट बॉल एम्पायर का इशारा, काफी डिफेंसिव फील्ड रखा है। अगर आपको इस मैच को जीतना है तो आपको फील्डर को रिंग में लाना ही होगा, कैचेस बनाने होंगे, तब ये मैच जाके बनेगा। ऑलरेडी काफी कम स्कोर बोर्ड पे है और उसी उसके बाद भी इतने वाइट जन नोस की जा रहे हैं यहां पर। एक जोरदार अपील मिस कर दिया है, टीम के दोनों मेन बल्लेबाज क्रीज पर हैं। अच्छा एक्शन है गणेश शेट्टी का। अच्छी लाइन और लेंथ इस पावर प्ले ओवर में। यही मैं कह रहा था कि इतना डिफेंसिव फील्ड अगर आप रखेंगे तो बहुत आसानी से एक एक रन लिया जाएगा, कोई प्रेशर नहीं बन रहा है टीम पर। आप प्रेशर नहीं बनाएंगे तो ये मैच बहुत आसानी से जीत जाएंगी टीम। अब चाहिए 32 गेंदों में 24 रन। गणेश की अगली गेंद एक अच्छी टप्पे पर डाली हुई, गेंद राइज होकर जाती हुई विकेट कीपर की दस्तानों में, कोई रन नहीं, यानी कि अब चाहिए 31 balls 24 runs। इसके बाद का जो ओवर होता है होगा शायद से उसी ओवर में यह मैच खत्म होते हुए हमको देख सकता है मोइन भाई, क्योंकि टारगेट ओवर रहेगा। ओ सॉरी, पांचवा ओवर टारगेट ओवर होता है, इसके बाद चौथा ओवर शायद से फिर एक बार हमें करते हुए दिखाई देंगे सूरज मात्रे, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं किया तो शायद से बहुत देर हो जाएगी। 24 run 30 गेंदे 24 runs required। गेंदबाजी के लिए जैसे कहा था, जैसी अपेक्षा थी, सूरज मात्रे आते हुए, विकेट 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 ही वापसी दिला सकता है इस टीम को। हालांकि ये मैच अभी पूरी तरह झुका हुआ पटेल पायनियर्स टीम की ओर, क्योंकि ये दूसरा ओवर डालने के लिए अब आए हैं वापस एक बार सूरज मात्रे। अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं सूरज वासे सूरज। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है इस ओवर में एक रिवर्स स्वीप देखने के लिए मिलेगा हमें। और ये कैच ड्रॉप, मौका बनाया था सूरज मात्रे ने सूरज के अगेंस्ट, लेकिन रवि दुबे ने वहां पर इस कैच को ड्रॉप कर दिया है। कैच को ड्रॉप कर दिया या मैच को ड्रॉप कर दिया है, ये मैच में जान डाल दी थी सूरज ने अपने गेंदबाजी से, और एक ही चीज वो एक्सपेक्ट करते हैं, सपोर्ट फ्रॉम ऑल दी फील्डिंग मेंबर्स। जबरदस्त गेंदबाजी, ये शायद सूरज के विकेट से प्रेशर बनता टीम पर, और अभी तक इनकी लोअर मिडल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुई है, फाइनल मैच का प्रेशर कुछ और होता है।
लेग बाय के रूप में शायद से यहाँ पर और एक रन यहाँ पर ऐड होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 30, अभिषेक दुबे इस वन रन्स। अभिषेक दुबे इस कैच को जरूर याद रखेंगे, रवि दुबे। एक बार अच्छी गेंदबाजी, डॉट गेंद यहां पर करते हुए सूरज मात्रे, लेकिन डॉट गेंद से परेशानी नहीं होगी, चाहिए थी विकेट जिसका मौका भी बनाया था सूरज ने, लेकिन वहां पर थोड़ी सी चूक होती हुई वहां रवि दुबे की ओर से, और ये मैच लगभग अब पाटिल पायनियर्स की ओर झुकता हुआ। फिर एक बार अच्छी गेंद, लेग कटर गेंदबाजी करने में बादशाह हासिल किए सूरज मात्रे ने, और उसी का प्रदर्शन यहां पर दिखाते हुए हमें। कोई जरूरत नहीं थी सूरज नायर को इस ओवर में लंबे हिट की, चार ओवर अभी भी बचे हैं इस गेम में, आसानी से ये रन बनाए जा सकते हैं, चार लंबी हिट लगानी होगी उनको। इस ओवर में सिर्फ एक रन दिया है सूरज मात्रे ने और एक विकेट का मौका बनाया था, तो वापसी का रास्ता जरूर दिखाने की कोशिश की थी सूरज मात्रे ने इस ओवर में, लेकिन थोड़ा सा फिर एक बार वहां पर हड़बड़ाहट के चलते डेसाई डायनामोज फिर एक बार बैकफुट पर आते हुई, और एक एडवांटेज है यहां पर देश पटेल पायनियर्स की ओर। पांचवी ओवर जो है वो 50-50 ओवर, अगर इस ओवर में टारगेट चेस कर देते तो इसका मतलब है ये मैच जीत लेते हैं पटेल पायनियर्स का टीम। फुल टॉस गेंद पे यहां पर शुरुआत होती हुई, राहुल आया है गेंदबाजी करने के लिए, राहुल कुलकर्णी सेमीफाइनल के मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी, अब चाहिए 21 रन्स इन 23 बॉल्स। फिर से ये मिस, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सूरज नायर का गेम कुछ रुक सा गया है पिछले ओवर की वजह से लगता है। नहीं, मैं कहूंगा थोड़ा सा सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर, पता है उन्हें कि कोई जोखिम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले ओवर में एक विकेट का मौका बना था, लेकिन फिर एक बार थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पर ग्राउंड पर लाइट कम होती हुई। अगर मैं बता दूं कि डीएलएस पार स्कोर के हिसाब से ये मैच पटेल पायनियर्स की गिरफ्त में अभी भी, क्योंकि 4.4 ओवर्स के बाद डीएलएस पार स्कोर है 29 और पटेल पायनियर्स ने बनाया है 33 रन्स। और अभी अभी ऑर्गेनाइजर्स की ओर से हमें यहां सूचना आती हुई कि अगर अगले 15 मिनट्स में लाइट्स चालू नहीं होती है तो डीएलएस रूल्स के हिसाब से इस मैच का विनर घोषित किया जाएगा। और डीएलएस पार स्कोर के ऑन द बेसिस पटेल पायनियर्स आगे चलते हुए इस मैच में।